लोकसभा चुनाव 2024 की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक तरफ जहां देश में एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल से मुख्तलिफ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो परेशान करने वाले हैं। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल देश भर से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी पर तैनात 33 लोगों समेत 58 लोगों ने शनिवार को गर्मी के कारण अपनी जान गंवा दी। अधिकारियों ने बताया कि अन्य मौतें बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी जान गंवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेनवा ने मौतों की पुष्टि की और बताया कि होमगार्ड, सफाई कर्मचारी, अन्य मतदान कर्मचारी थे जो दिन भर चलने वाली वोटिंग प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी पर थे। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में 15 मतदान कर्मियों की मौत की खबर सामने आई थी। शनिवार को कुल 1,08,349 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया था। रीनवा ने कहा कि जिनकी ड्यूटी पर मौत हुई है उन्हें 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया चल रही है। रिपोर्ट से पता चला है कि होमगार्ड जैसी पुलिंग ड्यूटी के लिए एक दिन का 500 रुपए दिया जाता है। वहीं बात करें अगर बिहार की, तो चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की मौत की खबर यहां से भी है। यहां एक दिन में 14 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, जबकि 10 अन्य लोगों की भी मृत्यु हुई है। वहीं उड़ीसा में आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने कहा कि गर्मी से संबंधित बीमारी के कारण कम से कम 9 और लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें शनिवार से पहले के 48 घंटों में मरने वालों की संख्या 54 गई थी। शुक्रवार को उड़ीसा में गर्मी से संबंधित मृत्यु की संख्या 45 थी। इसके अलावा शुक्रवार को मिर्जापुरा और सोनभद्र में भी चुनाव ड्यूटी पर तैनात 15 कर्मियों की गर्मी के से संबंधित बीमारियों से मौत हो गई। मिर्जापुर के संभागीय आयुक्त मथुका मारस्वामी भी ने कहा कि उनमें से 13, जिनमें 7 होमगार्ड, 3 सफाई कर्मचारी और 1 लिपिक कर्मचारी शामिल है, इनकी मिर्जापुर में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज़।